Hello. Oh, hello. Hello. How are you? I am good. Oh my God, Hadika, I did not expect to see you here. I was not expecting at all. Kaise? Achha, now that we've got you, can I get a short interview? Sure. ओके, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपकी जवानी का क्या राज है? जवानी का राज जो है वो क्या बताऊँ मैं, आई थिंक अम्मा की बदौलत ही है ये सब कुछ. उनका अभी तक जो है माशाल्लाह शी इज 81. अच्छा. एंड शी हैज़ अ ग्रेट कॉलेज एंड इवन दो शी इज ऑन बेड फॉर द लास्ट 14 इयर्स, लेकिन बिकॉज शी इज पैरालाइज्ड. तो लेकिन ये कि उन्हीं का ही शुक्रिया है. बाकी क्लेंजिंग करती हूँ, पानी ज़्यादा पीती हूँ. लवली. और अपने फेस को ज़रा मॉइस्चराइज़र के साथ बस उस तरह रखती हूँ. अच्छा, ऐसा तो आपने मेरे दूसरा सवाल का भी जवाब दे दिया कि आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है. स्किन केयर रूटीन में पानी. ओह कूल. सुबह नाश्ते में क्या खाया? उबले हुए अंडे और ग्रीन टी. वाओ, इज दैट योर स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट? स्टैंडर्ड, यस. चाय रस भी खाती हूँ, बट मोस्टली उबले हुए अंडे खाती हूँ या ऑमलेट खाती हूँ चम्मच के साथ. पराठा भी खा लेती हूँ कभी कभी. डॉक्टर हो गए. आलू का पराठा खाती हूँ कभी कभी, लेकिन आज तो मैंने उबले हुए अंडे खाए. अभी आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? मुझे नीचे थोड़ा सा टचअप करना है अपने सैलून में. तो ज़रा एक क्विक सा टचअप किसी को, वो नीचे क्लाइंट्स आए हुए हैं कुछ. हम साथ साथ आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. श्योर. एक्टिंग की ऑफर्स तो आपको बहुत आई होंगी. But why did you decide to take the plunge now? I think there's time for everything. और मुझे लगा कि जैसे ये time है जिसमें मुझे explore करना चाहिए acting की field को भी. और जब मोमना दुरेद ने मुझे call किया और फिर script भेजा, तो there was no point कि जिसमें मैं उस script के अंदर कोई भी, जिसे कहते हैं ना, flaw निकाल सकती. Because the cast was good, the director was good, was written so well. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब सही हो रहा है? अच्छा, दैट्स वाई यू चोज रकीब से एज योर डेब्यू ड्रामा. दैट्स वाई आई चोज दिस बेस्ट प्रोजेक्ट. आई मस्ट से दैट. वाओ, यस. अब मैं, मुझे थोड़ा सा टचअप करना है. हाँ. तो अच्छा, आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं व्हाइल यू डू दैट? या श्योर. कम. ओह वाओ, दैट्स सो कूल. व्हाट अ ब्यूटीफुल सैलून. टाइम टू पुट माय मास्क ऑन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आजकल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. We expect कि आप कभी अपनी मेकअप लाइन भी निकालेंगी? I would love to. इतना कुछ कर रही हूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा मुझे, बिकॉज इट्स बिन ईयर्स नाउ कि मैं अब ये सैलून इंडस्ट्री से मेरा एक लिंक है. आई हैव गॉट ऑलमोस्ट 6 फ्रेंचाइजेज इन डिफरेंट सिटीज. नाइस. तो सियालकोट में है, सरगोधा में है, फैसलाबाद में है. दो फैसलाबाद के अंदर हैं ब्रांचेस. ओह कूल. ठीक है बेटा, देखो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ है ना जो मैंने दी है. आपका फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा है? मेरा फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा, मुझे अपने, अगर मैं उस तरह देखूं तो मुझे वो जिंदगी गुजार है बहुत पसंद. नाइस. उडारी बहुत मुझे पसंद. अभी रिसेंटली मैंने देखा प्यार के सदके. लवली. तो मुझे हम टीवी के ड्रामास ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत पसंद है. अमेजिंग. से बस टचअप किया, ये तो हमारा तैयार हुआ हुआ बच्चा है. तो ये ब्यूटीफुल करेंगी, कैरी ऑन करेंगे. Are you a tea person or a coffee person? नहीं, I'm a coffee person. Coffee और मेरे सैलून में कॉफी बहुत अच्छी बनाती हैं बच्चियाँ. Wow, let's have a cup of coffee. आ जाएं आप लोग सारे. बिरयानी या पुलाव? बिरयानी. बिरयानी. कराची लाहौर? हाय, ये ना कहें. This is difficult. कराची काम के लिए और लाहौर रहने के लिए. अच्छा, चलें. आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं और आपने परफॉर्म भी किया है बहुत बड़ी लोकेशंस में, इंक्लूडिंग रॉयल अल्बर्ट हॉल और कैनेडी सेंटर न्यूयॉर्क में. आपकी सबसे खूबसूरत याद कौन सी है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इतने ज़्यादा शोज किए हैं कि मुझे मुझे अब मेरी हर वही याद है जहाँ पे मुझे अच्छी ऑडियंस मिली है. और मेरे लिए अभी भी
हर स्टेज बिल्कुल एक नया स्टेज है. ब्यूटीफुल. या अच्छा तो ये बताएं कि अगर आपको दुनिया में किसी के साथ भी कोलैबोरेट करना होता तो वो कौन होता? AR रहमान. वाओ, दैट्स अ कोलैबोरेशन, इसका हम भी इंतजार कर रहे हैं. यस, वैसे मैं काफी आई बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. One thing people don't know about Hadika Kiani. And what is that? ये तो आप बताएंगी ना? What is that? One thing that people don't know about Hadika Kiani. I think I'm an introvert. That's hilarious. Well, we kind of knew that. Even though I'm doing a business. आपने एक दफा एक इंटरव्यू में कहा कि आप इंडस्ट्री में कम सोशलाइज करती हैं. तो आपका इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड कौन है? हाँ, इंडस्ट्री में मेरा बेस्ट फ्रेंड है अदनान शाह टीपू, और उसके बाद अगर मैं बेस्ट फ्रेंड कहूँगी तो सानिया सईद. आपने 2017 में कहा कि योर बिगेस्ट फियर इज कि पाकिस्तान बहुत अनस्टेबल है. क्या आपको लगता है कि अब स्टेबल हो गया है? पाकिस्तान इज ऑन द पाथ ऑफ स्टेबिलिटी एंड आई हैव ऑल माई होप्स. अभी भी बहुत सारे लोग होप्स छोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा होप्स हैं अभी भी. हाँ हाँ, इज दैट व्हाट 2020 टॉट यू? यस, रेजिलियंस, पेशेंस, सब्र के साथ काम करें. ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता. ओवरनाइट ना फेम मिलता है, ओवरनाइट ना उजड़ी हुई चीज़ें आबाद होती हैं. बहुत टाइम लगता है. कहते हैं घर बनाने में टाइम लगता है, घर उजाड़ने में. यस, दैट इज़ ट्रू. तो बनाने में टाइम लगता है. तो पाकिस्तान घर है ना, तो काफ़ी हद तक उजड़ी हुई फॉर्म में था, तो अब उसको टाइम तो लगेगा ना. ये तो है. यू नो, हम काफ़ी साल से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा, फिल्म, म्यूज़िक इंडस्ट्री रिवाइव होने वाली है. क्या आपको लगता है रिवाइव हो गई है? देर इज़ ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो रिवाइवल हो रहा है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप खुद देख रहे हैं. एक्टर्स भी गा रहे हैं, एक्ट्रेसेस भी गा रही हैं, सिंगर्स भी एक्टिंग में आ रहे हैं. सो एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड इज हैपनिंग एंड यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन. सही कहा आपने. और इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, और हमारे पाकिस्तान में इमेंस टैलेंट है, और वो टैलेंट उभरता ही है. टैलेंट से मुझे याद आया कि आपकी एक रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी विद द एक्ट्रेस उष्णा शाह. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान डजंट हैव एनी फीमेल वोकलिस्ट, और आपने उनको एक जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था. उसके बारे में हमें कुछ बताए ना. यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट? और आपने उनको एक बड़ा, हाँ मैंने उसका जवाब तो दिया था, बट डीप डाउन मैं समझती हूँ कि शी इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी. उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी. मे बी उसने जो बोला वो उस एक ही एक मोमेंट के अंदर आके बोला, और उतनी डेप्थ के अंदर उसने नहीं सोचा होगा कि इंडस्ट्री के अंदर कि किसी को जाके वो बात कितने कितनी सेंसिटिव वे में लगेगी. और वो मैं समझती हूँ कि मुझे सेंसिटिव लगी. अदरवाइज़ ये है कि मैं यही सोचती हूँ कि वो एक्टिंग की फील्ड की बच्ची है, और उसके लिए वो कॉमेंट देना वॉज ओके, और मेरा वो कॉमेंट उसको जवाब देना वॉज ओके टू, एंड देर वॉज नो हार्ड फीलिंग्स. She is a wonderful artist. अच्छा ठीक है. I think yeah, no hard feelings at all. Is that how you deal with internet hate also? Yeah. 100 में से 90 good comments जो हैं वो मेरे इधर जाके लगते हैं, और वो जो 10 जो हैं वो मेरे इधर से जाते हैं और इधर से निकल जाते हैं. What's your favorite instrument? माई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट सो फार, मुझे वैसे तो मुझे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पसंद हैं जो बड़े सोलफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सितार है, सिरोद है, सारंगी है, बट वन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ क्लोज टू माई हार्ट इज़ फ्लूट. लव दिस. और वो मेरी म्यूजिक का काफ़ी हद तक इंटेग्रल पार्ट है. ओह सो कूल, रियली लाइक दैट. सो लॉकडाउन में आपने क्या किया? ओए क्या पूछ लिया. लॉकडाउन में मैंने क्या कुछ नहीं किया. मैंने कुकिंग की काफ़ी सारी, और आप मेरे बहुत लूज़र से शोज़ YouTube के ऊपर देखेंगे मैंने, जो कि मुझे मेरी सोशल मीडिया टीम ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं आपको ये करने की, कुछ ज़रूरत नहीं लगाने. मैंने लगाओ, मैं घर में खड़ी हुई हूँ, मैं किचन में अपने लाउंज के मैंने एक कॉर्नर बना लिया, वहाँ पे मैंने कुकिंग शुरू कर दी. बिकॉज एवरी टाइम आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट म्यूज़िक कुकिंग. तो वो मैंने किए शोज़. स्वीट. और अपने आप को मस्त रखा. मुझे क्या ज़रूरत है कि मुझे कोई फॉलो करे, कोई पसंद करे ना पसंद करे. आई वॉज जस्ट डूइंग इट टू कीप माई सेल्फ हैप्पी.
मैंने वो किया, मैंने मेलोडीज बनाई, मैंने बहुत नया म्यूजिक किया. Nice. मैंने अम्मा के साथ बैठ के बहुत सारी पोइट्री की, बहुत सारी पोइट्री को करेक्ट भी करवाया कि क्योंकि वो शी इज़ माई टीचर इन एवरीथिंग. तो वो मैंने किया, बच्चे के साथ टाइम गुजारा और मैंने अर्तुरुल भी देखा. Wow. मैंने मनी हाइस्ट भी देखा. Amazing. देखा भी कुछ. आपका अर्तुगुल का ट्रिब्यूट तो काफ़ी वायरल गया था. वो भी देखे उस पेंडेमिक के अंदर. अमेजिंग. yes. तो नया म्यूजिक कौन सा आ रहा है? मेरा नया म्यूजिक जो है वो आ रहा है एक बिल्कुल रिसेंटली आप लोग सुनेंगे कवाली. रियली? really? और वो फर्स्ट एवर फीमेल कवाली होगी जो आप लोग सुनेंगे इंडो पाक. वाओ. तो आपकी अम्मी ने रकीब से की लिरिक्स लिखी है, राइट? यस यस. अच्छा, हमें थोड़ा सा रकीब से सुना दे. रकीब से सुनाती हूँ. कॉफ़ी आ जाए बच्चों, कॉफ़ी आ जाए. यस, रकीब से, उसके साथ साथ कॉफ़ी. कॉफ़ी ले आओ बेटा. रकीब से. हाँ, रकीब से और हाँ उसके साथ साथ कॉफ़ी. रकीब से वो नजारे फरेब देते रहे, हमें तो छूटे सहारे फरेब देते रहे. रकीब से वो नजारे फरेब देते रहे. That was so nice. Thank you so much, Adhika. Thank you so much. Thank you so much. And now I really want all of you to have a cup of coffee. Yes, of course. हम आपके साथ कॉफी पियेंगे और फिर बातें करेंगे and off the record. All right. Take care. Goodbye. Take care.